आ गया 80 केम्पल की माइलेज वाला होंडा का धानसू स्कूटर, जाने कितनी है कीमत। ये शानदार टू व्हीलर रेट्रो लुक के साथ आता है। स्कूटर में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। ये स्कूटर 80 किलोमीटर प्रति लीटर की जबरदस्त माइलेज देता है। जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा होंडा ने अपने धानसू माइलेज वाले स्कूटर होंडा जॉनो को 2022 वर्जन लॉन्च कर दिया है। ये शानदार टू व्हीलर रेट्रो लुक के साथ आता है। स्कूटर में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। ये स्कूटर 80 किलोमीटर प्रति लीटर की जबरदस्त माइलेज देता है। इंजन और पावर, इस स्कूटर में 50cc एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया है जो 4.4 अश्वशक्ति पावर जेनरेट करता है। इसके 2022 वर्जन में मामूली बदलाव किए गए हैं। कंपनी ने इसे नए कलर ऑप्शंस के साथ बाजार में उतारा है। कितनी है कीमत? इस स्कूटर की जापान में 2,09,000 जापानी येन है, यानी भारतीय करेंसी में ये कीमत 1.34 लाख रुपए है। ये स्कूटर बेहद हल्का है, जिससे इसे आसानी से डेली कम्यूटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका वजन सिर्फ 81 किग्रा है। जापान की मार्केट में एक्सक्लूसिव है ये स्कूटर। कंपनी ने इस स्कूटर को अपनी होम मार्केट यानी जापान में ही लॉन्च किया है। भारत में इसे लॉन्च करने की फिलहाल कंपनी की कोई प्लानिंग नहीं है। स्कूटर की कीमत हाल ही में लॉन्च हुए यामाहा एरोक्स 155 से ज्यादा है। होंडा जोनो और डंक दोनों ही 49 घन सेंटीमीटर का सिंगल सिलेंडर युक्त इंजन दिया गया है, जो 8,000 परिक्रमण प्रति मिनट पर 4.5 PS की पीक पावर और 6,000 परिक्रमण प्रति मिनट पर 4.1 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है। हालांकि यह परफॉर्मेंस केवल शहर की सवारी के लिए पर्याप्त है। होंडा का दावा है कि यह स्कूटर 80 केम्पल तक का माइलेज देने में सक्षम है। इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं। सवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होंडा जियोनो स्कूटर का 2024 संस्करण आगे के पहिए पर ड्रम ब्रेक और पीछे के पहिए पर एक और ड्रम ब्रेक से लैस है। दूसरी ओर वाहन के सस्पेंशन का कार्य आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक्स तथा पीछे की ओर ट्विन स्प्रिंग्स द्वारा किया जाता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।